नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल टेरेस गार्डनर उमेद सिंह में आपका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, ये है हमारा हाइड्रोपोनिक चारा जो हम अपने पशुओं को दे रहे हैं। ये हम जैसे स्प्राउटेड अनाज खाते हैं उसी तरह से ये चारा हम अपने पशुओं को दे रहे हैं। ये मक्का जो आप देख रहे हो ये 9 दिन की है। नीचे इसमें भरपूर प्रोटीन है। देखिए, ये इस तरह का है। ऐसे हम ट्रे में इसको उगाते हैं और एक एक तिनका इसका अलग कर करके पशुओं को दे रहे हैं। ये पूरा ऐसे बेड बन जाता है इसका नीचे की तरफ। ये देखिए, इतनी इसकी हाइट रहती है। और इसके साथ मक्का के साथ साथ हम इसको गेहूँ दे रहे हैं, चना दे रहे हैं, मूंग है, मेथी है, जो ये सब चीज़ें हम अपने पशुओं को खिला रहे हैं। ये देखिए, ये इसके अंदर हमने मिला दिया है। ये गेहूं है, मक्का है, अलग अलग प्रकार का मिश्रण इसमें पूरा है सभी पशुओं के। ये देखिए, ये सारे के सारे ये प्लास्टिक की खोर हमने बना रखी है। इसको एक तो धोने में आसानी रहती है, सफाई करने में दिक्कत नहीं रहती। पशु को चारा खिलाया, एक दिन के बाद दो दिन के बाद हम इनको डेली साफ कर देते हैं अच्छी तरह से। ये हमारा 1 साल का बुल है। ये कुछ चारा कम खाता है इसलिए हम इसके बीच में थोड़ा सा सूखा थोड़ा मिला देते हैं, क्योंकि ये जहाँ से आया है वहाँ पे ये हाइड्रोपोनिक चारा इसको खिलाया नहीं जाता था। सूखा तूड़ा और बरसीम वगैरह वो खिलाते थे। तो हम अभी इसको धीरे धीरे हाइड्रोपोनिक चारे पे कन्वर्ट कर रहे हैं पूरी तरह से, क्योंकि यहाँ हम सिर्फ और सिर्फ बहुत बढ़िया से बढ़िया जो चारा है वो खिलाएंगे। ये छोटे बछड़ों के लिए है। ये देखिए, ये एक हमारी राठी नस्ल की गायें हैं, अभी कुछ दिन पहले लेके आए हैं। बहुत ही शरीफ गौमाता है। ये चारा और ये हमने हल्दी लगा रखी है। 20 टन हल्दी परचेज की है ये हमने। ये अभी नेक्स्ट वीक से हम खेत में लगाना शुरू करेंगे। 15 अप्रैल के बाद से हम इसको लगाएंगे। लगभग 20 एकड़ में हम ये हल्दी लगाएंगे अपनी। इसके साथ साथ मैं आपको जहाँ पे हमारा जो चारा उगता है हाइड्रोपोनिक चारा वो और दिखा देता हूँ। ये सामने हमने शेड बना रखा है, उसके अंदर हम अपना चारा उगाते हैं। ये हमारी ट्रे हैं, इन ट्रे के अंदर हम अपना जो अनाज है वो भरते हैं। और ये 25x40 का एक प्लेटफार्म हमने बना रखा है जिसमें हम अपना चारा उगा रहे हैं। ये देखिए, इसमें प्रोसेस ये है कि ये मक्का लगा रखी है, ऊपर चना है, वो आगे मेथी है। ये 24 घंटे के लिए हम पानी में भिगो के रखते हैं। उसके बाद 24 घंटे बाद इसको पानी से भिगो के एक बोरी के अंदर, जूट की बोरी में रख देते हैं। और 24 घंटे के बाद फिर हम इसको ट्रे में भर देते हैं। और ये 9 दिन के बाद लगभग इस स्टेज पर आ जाता है, ये हमारा चारा खाने लायक हो जाता है। दूसरी साइड का और मैं आपको दिखा देता हूँ जहाँ के चारा तैयार है, जिस साइड से हम अभी अपने पशुओं को खिला रहे हैं। ये देखिए, ये चारा बिल्कुल तैयार है। ये चना, ये मेथी, इधर ये हमारी मक्का, ये गेहूँ,
मेथी, ये मूंग, ये ऊपर फिर से गेहूं आ गया, जौ आ गया, चना, ये मूंग, और इधर ये पूरा मक्का है। साइड में मूंग है, चना है, मेथी है, मूंग है, ये मूंग आ गया है, गेहूं है, दोस्तों ये जो चारा है ये हम अपने पशुओं को खिलाते हैं। और आप इस खुद ही अंदाज़ा लगा लीजिए कि कितना पौष्टिक चारा हम अपने पशुओं को दे रहे हैं, और जो पौष्टिक चारा है वो खाने के बाद कितना पौष्टिक दूध और घी पशु हमें देंगे वो आपको बताने की आवश्यकता नहीं, खुद ही समझदार हो। इसलिए अगर किसी साथी को बढ़िया देसी साहिवाल नस्ल का घी चाहिए तो हमारे से संपर्क कर सकता है। वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।